ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज भी आपके लिए लेकर के आए साथियों आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले आप जानते हैं कि हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, तो आज भी आपको ऐसा ही देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 जनवरी सन 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना यानी पूस का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा। योग रहेगा व्याघात। करण होगा नाग। राशि रहेगी धनु। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 11:05 पर धनु राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज इस प्रकार से रहने वाली है, दोपहर 1:47 से लेकर दोपहर 3:05 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है आज दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहने वाला है। तो साथियों, ये पौष मास की जो है वो अमावस्या है। ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर पर आधारित है। जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसी पर ये बेस्ड है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी जो दानशीलता वाला व्यवहार है ना, वो आपके लिए किसी छुपे हुए आशीर्वाद से कम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से भी बचाएगा। यूं तो आज आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आप अपने पैसे को कहीं पर भी व्यर्थ में खर्च ना करें। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व रहेगा और आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं और आज आप स्वयं को लोगों के ध्यान का, एक तरीके से लोगों के ध्यान में रहेंगे, आप केंद्र बिंदु रहेंगे आप। और जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा, जिसको भी आप पूरा सहयोग देंगे उसको आपका सहयोग प्राप्त होगा, और ऐसा होने से उसको कोई अच्छा एप्रिसिएशन या उसको कोई पुरस्कार आदि प्राप्त होगा, तो उसकी द्वारा भी आपको बहुत ही एक तरीके से वो आभार व्यक्त करेंगे, आपका आभारी रहेंगे। और आपका अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा तनावपूर्ण संबंध आज के दिन रह सकता है। तनावपूर्ण का मतलब थोड़ा सा किसी बात को लेकर के थोड़ा वाद विवाद, जहां तक हो संभव आप बात को बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय आप करें आज, अच्छी आर्थिक स्थिति अगर अपनी रखना चाहते हैं तो उसके लिए पत्नी का मान सम्मान और आदर जरूर करिए। शुभ रंग आपके लिए नारंगी और शुभ अंक आपके लिए 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। प्रिय साथियों, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। और जहां तक माली सुधार का, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि माली सुधार का जो है, जहां तक बात, उसकी वजह से जरूरी खरीदारी करना आपके लिए आसान रहेगा। मतलब आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आप इस पोजिशन में रहेंगे कि आप जो भी खरीदारी कोई करते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए थोड़ा सुलभ रहेगी। और आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की भी जरूरत है। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी या पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की भी जरूरत है। चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये कह सकते हैं कि आज आपके पास काफी खाली समय रहेगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो आपको करने चाहिए थे आज के दिन। पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। उपाय आप कीजिए, चांदी के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवाकर पूजा करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए आप बीच बीच में शारीरिक आराम की आपको रहेगी जरूरत। अगर आप चाहते हैं कि अपना एनर्जी लेवल बढ़िया रहे, ऊर्जा स्तर आपका बना रहे,
क्योंकि थका हुआ शरीर या थका हुआ दिमाग वो जब होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति कुछ एफिशिएंटली कुछ वर्क नहीं कर पाता। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होगी आज के दिन, क्योंकि आप में जो क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है, हम तो यही कहेंगे। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की भी संभावना लगती है। आज के दिन आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग बिल्कुल ना करने दें, और बुरा दौर ज्यादा कुछ सिखा जाता है। उदासी के भंवर में स्वयं को खोकर वक्त बर्बाद करने से तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए, और जो भी बोले सोच समझ करके बोले, क्योंकि कड़वे शब्द जो होते हैं वो शांति को नष्ट करते हैं और आपके प्रिय के बीच दरार भी पैदा कर सकते हैं ये कड़वे शब्द। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज का, हम यही कहेंगे, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा कोई फायदा हो सकता है, इसकी संभावना बहुत अच्छी है, प्रबल है, और अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का जो कोशिश है वो भी काफी संतोषजनक साबित होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिगड़ सकता है। उपाय आप ये करें कि अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने से पहले आप शहद खा करके चाट करके घर से निकलिएगा, इससे आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए 8। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन। प्रिय साथियों, कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, और नया रूप रंग, नए कपड़े लत्ते, नए यार दोस्त आज का दिन आपका कुछ विशेष बनाएंगे, और आपकी आकर्षक जो छवि है वो भी आपको आपके मन के अनुरूप परिणाम देगी, मन चाह परिणाम जिसको कहते हैं। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगैरह से दूर रहना होगा आपको आज के दिन, और अपने समय की कीमत को आपको समझना है। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती हैं गलत होगा, और ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं है? इस बात पर आपको गौर करना है, यह बात आपको खुद ब खुद दिखेगी। उपाय आप करें, गणेश जी या विष्णु भगवान जी के मंदिर में कांसे की जोत आप अगर दान में देते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा और सुखद रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए 9। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों, लंबी यात्रा के लिहाज से आपने सेहत और ऊर्जा स्तर में जो सुधार किए हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश है आपकी, वो आपको उससे काफी फायदा मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप थकान के चंगुल में फंसने से भी बचे रहेंगे, और आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में भी लगाना पसंद करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए भी आज का जो दिन है ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन एक तरीके से बिगाड़ सकता है, या उसको कहें कि ठंडा कर सकता है। ऑफिस में आपको ये पता लग सकता है कि जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपको थी, और इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना ज्यादा पसंद करेंगे, और आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह तंग कर रहा है। उपाय आप करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने से प्रेम संबंध आपके बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक आपके लिए 6। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। प्रिय साथियों, भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरे दिन अच्छी और दुरुस्त रहेगी, और आपके द्वारा धन को बचाने के जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे आज के दिन, इस बात का कुछ ग्रहों की ओर से संकेत है। हालांकि आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति बहुत जल्दी उसमें सुधार होगा, स्थिति में आप देखेंगे, और आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त जो उत्साह है उसके कारण भी कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे आप, एवं घरेलू तनाव दूर करने में भी ये सारी चीजें मददगार साबित होंगी। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। जी हाँ, नई परियोजनाओं और खर्चों को आप टाल दीजिए आज के दिन। कार्य क्षेत्र में किसी कार्य के अटकने के कारण से आज आपकी जो शाम का कीमती समय है वो खराब हो सकता है, और अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं साथियों, तो जीवन साथी की ओर से आपको काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया
उनका जो रिएक्शन है वो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। उपाय आपके लिए बनता है, भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में जगा दें, ये जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए। और आज किसी करीबी से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है, कहा सुनी, और बात कोर्ट कचहरी तक भी जाने की नौबत आ सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा पैसा इन चीजों पर खर्च हो सकता है। और अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन उनके हाथ में बिल्कुल ना दें, उनको बिल्कुल ना करने दें, नहीं तो जल्दी ही आप जो भी आपका बजट है वो बिगड़ सकता है, आप ये होते हुए देख सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं या घूमने जा रहे हैं तो कपड़े उनकी पसंद के अनुसार ही पहनिएगा, वो ज़्यादा आपके बीच में एक सामंजस्य पैदा करेंगी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या नहीं किया आपने, तो मान के चलिए कि आपका प्रेमी आपसे रूठ भी सकता है कि आपने उनकी चॉइस को नज़रअंदाज कर दिया। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है साथियों, जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को बहुत ही बिना किसी डिले के आप उनको ग्रास्प कर लीजिए। और बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय जाकर के बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निष्ठा की जरूरत रहेगी। उपाय आप करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करने से फैमिली लाइफ में खुशियां बढ़ने लगती हैं। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक आपके लिए 7। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। देखिए साथियों, ये आपको विश्वास करना है, करना पड़ेगा, और अपने ऊपर यकीन भी करना पड़ेगा कि बहादुरी की जो असली परख है वो अपने ऊपर यकीन करने में ही है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से भी निजात तक पा सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है। जिन लोगों ने जमीन आदि खरीदी थी या खरीद रखी है और अब उसे बेचना भी चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार उसके लिए मिल सकता है, और जमीन बेचकर उनको धन के रूप में अच्छे लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। घर में रस्म रिवाज आदि की भी होने की संभावना बन रही है, और शाम ढलते ढलते कोई आकस्मिक रोमानी झुकाव जो है वो आपके दिलों दिमाग पर छा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, और खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीकों से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तब। और किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। याद रखिए कि अगर समय की कदर आपने नहीं की तो इससे आपको आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ी सी कोशिश करिएगा तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। उपाय आप करें, सूर्य उदय के समय प्राणायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 2। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो साथियों, आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आ सकता है, और अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में भी आपके द्वारा निवेश किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। सामाजिक गतिविधियां काफी अच्छी रहेंगी, मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने रहस्य किसी के सामने उजागर बिल्कुल ना करें। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी, आपको कुछ सबसे बढ़िया अवसर नए लोगों के माध्यम से भी मिलेंगे, और इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत रहेगी। और यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खोसे गए हैं तो अपने लिए आपको वक्त निकालना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का भी आकलन जरूर करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं। उपाय आप करें, नरसिंह चालीसा व आरती पढ़ने से पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, शुभ अंक आपके लिए 5। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो साथियों, बचपन की यादें आपके मन पर आज छाई रहेंगी, लेकिन इस कार्य में आप स्वयं को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा, बचना चाहिए। आपके तनाव और परेशानी की एक और भी बड़ी वजह है कि बचपन की मासूमियत को जीने की चाह जो आपके अंदर है, इसीलिए खुल करके जिए। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर पर भी आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है जिनको आपने अभी कुछ समय के लिए टाला हुआ था। और अपने परिवार की भलाई के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपके कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए।
ना कि लालच का जहर। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफों और फूलों से भरपूर रहने वाली है और किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसका आप फायदा उठाइए और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। उपाय आप करें, साधु संतों का आदर करने एवं उन्हें भोजन कराने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 9। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो साथियों, आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है और जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर कुछ अच्छा खासा धन खर्च भी करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को आप फिर से तरोताजा कर सकते हैं आज के दिन। उसके लिए दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को भी मिल सकता है। और आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र रहेंगे और सफलता आपकी पहुंच के अंदर होगी। आपका कुछ व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप थोड़ा सा परेशान से हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करने लग जाते हैं कि कहीं एकांत में बैठे जाकर के सुकून के साथ। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है साथियों। और आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बारिश को रोमांस से जुड़ा माना जाता है और आज आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार की बारिश भी महसूस करने वाले हैं। इसकी अच्छी संभावना है। उपाय आप कर सकते हैं, आज एक नीले कपड़े में काली मिर्च, एक कच्चा कोयला, साबुत काली उड़द, ये सब बांध करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी इम्प्रूव होगी। शुभ रंग आपके लिए लाल, शुभ अंक आपके लिए 1। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो साथियों, जीवन साथी की सेहत को ठीक तरह से ध्यान दिए जाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत रहेगी आज के दिन आपको। और आज सफलता का मंत्र ये रहेगा आपके लिए कि उन लोगों की सलाह पर पैसा लगाइए जो मौलिक सोच रखते हैं, बेसिक नॉलेज रखते हैं, जिनके पास और अनुभव भी है। ऐसे लोगों से सलाह लेकर के आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभार होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी को दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। और आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम भी आज के दिन दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन भी कर सकते हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या खरीदारी पर जाते हैं, तो जरूरत से ज़्यादा जेब ढीली करने से भी आपको बचना होगा। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिशें कर सकता है। उपाय आप कीजिए, मिट्टी की गुल्लक में पैसे डालने शुरू कर दीजिए और भरने पर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के उसको दे करके आइए या फिर वो छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। ये उपाय करने से स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए 3। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। दिनांक 11 जनवरी 2024, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2080 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आप किस प्रकार निकालने वाले। लेकिन अब समय आ गया है कि जब अपने कार्यक्रम को हमको यहाँ पर समाप्त करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।